बिसम रही द टॉपिक व्यू आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज टेस्टिस एंड स्क्रोटम द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दट कम्स इज़ क्रिप्टोशिडम क्रिप्टोरशिडम इज बेसिकली टेस्टिस तो अलॉन्ग क्रिप्टोरशिडम कैन भी ऑफ डिफरेंट टाइप या तो टेस्टिस कंजेनटली एब्सेंट है या टॉपिक है ही नहीं या रिफ्लेक्टल दी आर मोबाइल कोल्ड एंड स्ट्रोकिंग स्ट्रोकिंग दाए कॉज इज टेस्टिसअपीयर अबव स्क्रोटम इज बेल्टी वाले टेस्ट्स कैन बी ब्रॉड डाउन बट अट्रैक्शन और ऑर्किडोपैक्सी कर देंगे इनकम्प्लीट इनकम्प्लीटली डिसेंडेड मतलब दे आर इन फ्राम अपडामन टू इन ग्वाइनल कनाल आ चुके हैं और उन्होंने डिसेंड करना है टेस्टिस ने विद पैसेज ऑफ टाइम तो इट इट कैन बी लेफ्ट एस एच फॉर सम मंथस और लेकिन एट मंथ से पहले पहले तक अगर नहीं आया तो यू हैव टू गो फॉर सर्जरी एक टॉपिक एक टॉपिक ये कि टेस्टिस एक है ना ये तो है गायनल किनल में है एक टॉपिक में होता है कि गोइनल कैनाल में नहीं होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एंड गोज टू द दाइट लाइक सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच प्रीनियम और थाई बट इट इज़ नॉट इन नॉर्मल कोर्स नॉर्मल रूट जो है उसका उसको फॉलो नहीं करता क्लिनिकल फीचर्स राइट साइड इज मोर इफेक्ट इन लेफ्ट साइड देर आर हजर्ड्स ऑफ इनकम्प्लीट डिसेंडेड टेस्ट है उसमें कैंसर के चांस है इनफर्टिलिटी हर्निया टॉर्जन ट्रोमाइट्राफी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बाई अल्ट्रासोनोग्राफी इज हेल्पफुल बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज लेप्रोस्कोपी ठीक ट्रीटमेंट ऑर्किोपैक्सी जिसे बताया कि वहाँ पर स्टिच कर देंगे सब डाटस पाउच के पाउच के साथ इसको स्टिच कर देते हैं और ये एक टॉपिक और अंडिसने टेस्टिस का डिफरेंस है कि एक टॉपिक तो अंडिसने टेस्टिस तो इंग्वाइनल कनाल में होगा ना लेकिन एक टॉपिक कैंड गो टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच प्रेनियम रूट ऑफ पीनस फ्यमरल ट्राइंगल एवर इट डज़ वॉन्ट टू गो टॉर्जन ऑफ द टेस्ट इज इट्स द ट्विस्टिंग ऑफ दिस परमेटिक क्वाड और उससे क्या होता है द रिस्ट स्ट्रेंगुलेष द ब्लड सप्लाई टस्टिकुलर आट्ररी की ब्लड सप्लाई कट जाती इट मोस्टली आकर टीन एज थर्टीन टू फिफ्टीन इट कैन भी कन्फ्यूज विद एपीडिमा और काइटस बट एपिडिमो और काइटस मोस्टली आकर ज डिशल लैग्नोज में इट मोस्ली आकर द्वेंटी टू थर्टी फाइव इयर्स के एज ग्रुप में और जब टेस्टिस को एलिवेट किया जाता है तो एंड एलिवेशन ऑफ द टेस्ट द पेन इज रिलीव्ड फॉर बट फॉर ये पेन भर जाती है तो ये प्रेहन साइन है जो डिफ्रेंशिएट करता है टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस वट आर द कॉजिस हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ टूनिका वेजेलिस यापरेशन ऑफ एपिटिमस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द टेस्टिस या मोबिलिटी बेसिकली है टेस्टिस में दैट लीड टू टॉर्जन ऑब्जिस पर मेटिकॉर्ड क्लिनिक वो जो एज है टेन टू फिफ्टीन स्ट्रेनिंग हैवी लिफ्टिंग ऑफ वेट्स क्वाइटस आर दर्सिपटेटिंग फैक्टर्स टॉर्जन में डिवेलप ड्यूरिंग स्लीप प्रिंसिपल सिम्टम्स दे आर पेन इन टेस्टिस एंड ग्रोइंग विच बिगिन सडनली एक्यूट पेन के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं इसमें नॉजिया वामिटिंग दर कॉमन द टेस्ट में सीम्स हाई एंड लाई हॉजोन्टल पोजिशन वाई बिकॉज दिस्टिंग ऑफ द कॉर्ड हाउ डू डाइग्नोज डायग्ग्नोज क्लिनिकल है को इन्वेस्टिटिगेशन की जरूरत नहीं बफ यू वॉन्ट डॉपल अट्ट्रासाउंड में बी नीडिड टू कंफर्म द एबसेंस ऑफ द ब्लड फ्रू द एफेटेड टेस्ट ट्रीटमेंट में हम लोगों ने इसको ऑपरेट करके इस, 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 स्क्रोटम को ऑर्किडोपैक्सी ही करनी है लेकिन फिर भी पेशेंट के जो हैं गार्डियन उनसे ऑर्किडेक्टमी की कंसेंट ले लें क्युं? क्यों क्योंकि कई दफ़ा है कि अगर टेस्ट अवेलेबल ना हो अवेलेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे टेस्टिस दे आर कवर्ड विद वॉम सलाइन सोक्ड गॉज एंड एनथीजिट से कहते हैं कि हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन सप्लाई दे ऊपर फॉर फाइव टू टेन मिनट्स अगर तो जो है टेस्टिस वो पिंक हो जाता है तो इट कैन बी सर्वेस्ट बच जाता है बच सकता है तो रिमूव नहीं करते और डेक्टमी नहीं करते लेकिन इट्स ब्लू ब्लैक तो फिर इट शुड भी रिमूवड और फिर प्रोलिन एब्जॉर्बल नॉन ऑब्जॉर्बल प्रोलिन जो टू बाई जीरो है दैट इज़ समट थे जो है थिक एज़ कम्पेयर टू फोर बाई जीरो तो उसे स्विचो लगा देते हैं ट्यूरिंग का बी जूनियर और वेनालिस के साथ ऑर्किडोपेक्सिक कर देते हैं वेरिकोसील वेरील में डायलेटेशन ऑफ द पम्पनी फॉम्प्लेक्सेज है और ये पम्पनी फॉम्प्लेक्सेज क्यों डायलेट हो जाती हैं इसके डिफरेंट रीजंस हैं मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइड टेस्टिकुलर वेन्स जो हैं वो होती हैं और कॉन्जैनटली एबसेंस ऑफ दी वॉल्स हो या लेफ्ट रिनल सेल कार्सिनोमा हो जो कि इन्फीर वेनाकेवा और टेस्टिकुलर वेन को ब्लॉक कर दे क्यों क्योंकि लेफ्ट साइड की जो टेस्टिकुलर वेन है वो ड्रेन करती है रीनल वेन में और फिर वो ड्रेन करती है इन्फीरियर वेनाकेवा मतलब जबकि राइट right साइड की डायरेक्टली ड्रेन इन टू द इफेयर वेनाकेवा तो टेस्टिकुलर वेन ड्रेन द टेस्टिस और ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मल्टीपल होती हैं बैपनी कॉम्प्लेक्स एज द टेवल डाउन टू द रिंग ग्वाइनल कनाल देर जस्ट वन टू फोर लेवल ऑफ डीप रिंग फिर टू इन नंबर और नीचे रेट्रोप्रोटोनियम दियर सिंगल टेस्टिकुलर वेन बट यहाँ पे कैंसर की वजह से एबसेंस ऑफ वॉल्स की वजह से इनमें वॉल्स होते हैं लेकिन अगर वॉल्स एबसेंट हो जाएँ या किसी भी और चीज़ की वजह से सीकम का कैंसर है तो सीकम के भी कैंसर इट कैन प्रेस ऑन टू द टेस्टिकुलर वेन तो उसकी वजह से ये क्या होता है हमारे वीनस सप्लाई जो है वो

इसके ग्रेड्स हैं अगर तो सामने नज़र आ रहा है विजिबल तो तो uh, है तो ग्रेड थ्री है कि बहुत बुरी हालत है ग्रेड टू पालपेबल आफ्टर स्टैंडिंग पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन पे आप पालपेट कर सकते हो तो इट्स ग्रेड टू बट इफ इट्स पालपेबल आफ्टर वालसलवा मनोर मतलब प्रॉपर एग्जर्शन के बाद या प्रॉपर किसी भी इंटरवेंशन के बाद है वाल सलवा करवाने के बाद है तो फिर यू कैन थिंक ये ग्रेड वन है इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड या सीवन एनालिसिस टू डॉक्यूमेंट इनफर्टिलिटी हाउ डू ट्रीट ए सिम्टोमेटिक पेशेंट को तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट लेकिन जिस है, deep ring, deep ring जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है उनके हम यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट करेंगे ओपन लाइगेशन ऑफ टेस्टिकुलर वेन अबव द डीप रिंग डीप रिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा वेन जो हैं वो ट्रीट होंगी उतना फ़ायदा हायर लाइगेशन लोअर लाइगेशन में रिकरेंस बहुत ज़्यादा है हाइड्रोसील हाइड्रोसील इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूड इन द ट्यूनिका अब ये ट्यूनिका वेजनालिस क्या है ट्यूनिका uh, वजनालिस ये है स्ट्रक्चर अब द टेस्टिस हमें बताया कि अब सली डोमिन में बनते हैं और फिर नीचे आते हैं से होते हुए दे लाइन टू द द द ऑफ एक फोल्ड पेरिटोनियम के अपने साथ लेते हुए आते हैं नॉर्मली प्रॉक्सिमल पोर्शन अब उस फोल्ड पेरिटोनियम का प्रॉक्सिमल क्लोज हो जाता है पीछे से क्लोज हो जाता है आगे से वो ट्यूनिका बन जाती है प्रोसेस वजनालिस ट्यूनिका वजनालिस बन जाती है प्रोसेस वजनालिस को जो टेस्टिस है वो पेरिटोनियम से लेकर आए प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है नॉर्मल उसका प्रोसेस वजनालिस हो जाता है और जो डिस्टल पोर्शन है उसे हम ट्यूनिका वजनालिस कहते हैं ट्यूनिका वजनालिस कवर द इटीरियर मीडियल लेटरल सर्विस ऑफ द टेस्टिस बट यहाँ एक पोटेंशियल स्पेस होती है फॉर द काम्बिनेशन ऑफ फ्लूड हाइड्रोसिल दो तरीक़ों से हो सकता है यहाँ जो फ्लूड जो नॉर्मल बनता है वो एबजॉर्ब हो जाता है नॉर्मली लेकिन अगर वो वब्जॉर्ब ना हो तो वो प्राइमरी है और अगर उस बहुत ज़्यादा बने एक्सेसिव प्रोडक्शन है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अदर टाइप्स ऑफ प्राइमरी हाइड्रोसिल जिसमें एब्बॉशन इफेक्टिव हो जाती है इस कंजेंटल हाइड्रोसिल और इसमें इंडारेक्ट इंगल हंडिया ही भी होता है इनफनटाइल हाइड्रोसिल दैट इज नॉन रिड्यूसिबल अब जो सारे अंदर शो फ्लक्चुएशन और ट्रांसलिमिनेशन टेस्ट ट्रांसलिमिनेशन टेस्ट ही है जो हिमाटोसील को जो ब्लड इन द ट्यूनिको वेजनाइलिस को डिफ्रेंशिएट करता है हाइड्रोसिल के साथ इंसिस्टेड हाइड्रोसिलजाल हाइड्रोसील हाउ डू यू हाउ वुड द पेशेंट प्रेजेंट पेनलेस क्रोटल स्वेलिंग होगी एंड द टेस्ट इस कनाट बी फेल सेपरेटली फ्रॉम द स्वेलिंग इट इज़ यूजली ट्रांसलिमिनेट एंड फ्लक्चुएंट इसकी कॉम्प्लिकेशन रप्चर कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे मेटोसील एंड साठ में कल्सीफा हाउ डू ट्रीट कंजेंटल हाइड्रोसील है तो उसका तो हंडिया करेंगे डायरेक्ट कंगल हर्निया भी ट्रीट करेंगे एंड uh, उसकी कम्यूनिकेशन को डिसकनेक्ट करेंगे फ्राम द पेटोनल कैविटी इंसिसड हाइड्रोसिलकॉर्ड इट कैन बिक्साइड जो बोले इस रिपेयर में है कि हम इन सी एन देंगे फ्लूट को ड्रेन करेंगे और ट्यूनिकस को स्विचर करके वहाँ एक कंटिन्यूस ड्रेन परमानेंटली एक ड्रेन अटैच कर देंगे जबकि लॉर्ड्स प्लाइकेशन में सिंपल आपने कट दिया लॉन्गिट्यूड नल और उसको स्ट्रिचअप कर दिया ड्रेन करके स्ट्रिचअप कर दिया हाइड्रोलैक्टोमी में भी इधर ए इंडिकेशन हाइड्रोलेक्टोमी तब करते हैं हम इंदर स्थिक साग तो सैक इज एक्साइज एंड हेमस्टासिस एक्सपेरेशन ऑफ द फ्लू बट द नीडल इज सिंपल बट इट कैन लीड टू रियो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूड और हेमाटोस भी कर सकता है कौन कौन सी लेयरिंग काउंटर करेंगे जब आपने हाइड्रोसील तक पहुंचना है तो बाहर से शुरू करते हैं स्किन फिर डार्टस मसल फिर मेमब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया फिर क्रीमस्टायरिक फेशिया इंटरनल क्रीमस्टेरिक फेशिया और जो हमारे पास चूनिक व जनैलिस की दो थी ना पोटेंशियल स्पेस है ये तो आउटर सर्फेस है वो तक पेयर्स करनी होती है ठीक नेक्स्ट इज एपीडीडिमा और कईटस दैट इज अक्यूट इन्फ्लेन ऑफ एक्ट भी हो सकती है क्रॉनिक भी हो सकती है अक्यूट में इन्फ्लेमेशन ऑफ एपीडीमस एंड टेस्टिस यू टी आई यू टी आई में यू टी आई में क्या हुआ कि ये रेट्रोगड गया वासफरेंस इंस्ट्रोमेंटेशन कैथराइजेशन एस टी आई एस टी डीज की वजह से क्लमिडिया वायरल मम्पस क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स ऑफ यू टी आई पे इन ग्राइन एपीडिमस एंड टेस्टस बिकम टेंडर पेनफुल एंड सॉलन और प्रेहन साइन के उन्हें उठाने से दे वुड भी दे वॉन्ट भी रिलीव उनकी पेन जो है वो भर जाएगी सॉरी प्रहन साइन और अपीडिमो और काइटस में पेन जो है रिलीव हो जाएगी ट्रीटमेंट सैक्रोटल स्पोर्ट एंटीबायोटिक्स और इन्फेक्शन लाइकिसकन फॉर फोर्टीन डेज एलिक्रोटल एपसेस है तो उसको ड्रेन कर दें जी एंड ड्रेन से क्रॉनिक है तो वो जेन टू यूनिटिस में डिस्कस होगी टेस्टिकुलर ट्यूमर टेस्टिकुलर ट्यूमर मैन ऑफ द एज ट्वेंटी टू फोर्टी एंड दे आर पेनलेसिलेटल मैस इन स्क्रोटम काज बिकॉज मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ अंडस्ट का पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो फर्टिलिटी का केस हो जमसल ट्यूमर होते हैं और मोस्टली जमसल ट्यूमर होते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट दे आर मेगनेंट तो हम जमसल ट्यूमर को ही लेते हैं मोस्टली अगर ट्यूमर uh, हो तो क्योंकि इसकी वो ना कर सकते बे आपसी सीडलिंग हो सकती है इसकी ट्यूमर uh, की सेक्सकोल स्ट्रोमल ट्यूमर और मिसलिनस जमसल या सेक्सोल स्ट्रोमल ट्यूमर होते हैं द रिकमेंडेड पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ब्यू जो टू में क्या है उन्होंने क्लासीफाई किया सेल ट्यूमर को आगे सेमिनोमा नॉन सेमिनोमा में कर दिया सेमिनोम सेमिनोमस ट्यूमर जो है वो सेमिनोफेस्टिब्यूल्स के होते हैं इसके क्लासिक्स परमाटोसिटी के ना प्लास्टिक टाइप्स हैं नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर जो हैं टेराटोमा योग सैक ट्यूमर जिसका ट्यूमर फिटो प्रोटीन है कोरियो कार्सिनो जिसका ट्यूमर मार्कर बीटा एच सी जी और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा उसके दोनों ट्यूमर मार्कर्स है बीटा एच सी जी और ए पी और नॉन सेमिनोम और सब ट्यूमर्स का सेमिनोम प्लेसेंटल फॉस्फोटेज ये दोनों जो है बर्डन और उसमें बर्डन ऑफ द डिजीज और ये रेज होते हैं सेक्स कॉल श्रोमल ट्यूमर्स लेडिक सेल एंडलाइ सेल ट्यूमर थिकोमा फाइब्रोमा ट्यूमर एमिसिनस ओवेरेंट पिथिरल ट्यूमर्स ट्यूमर्स ऑफ द कलेक्टिंग ड्रग्स एनडीटी टेस्टेस ट्यूमर बिनाइन लेफ नॉन स्पेसिफिक स्ट्रोमा सेमिनोमा क्या है हमें बताया सेमिनोफेस्टिब्यूल्स का वो, वो कैंसर है पी के जिसकी थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव है क्लासिक है मोस्टली ये रेडियो सेंसिटिव होता है और ये लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व करता है लिम्फ नोड लाइक पैरावटिक लिम्फ नोड्स से इन्वाल्व और लिम्फ नोट से तब इन्वॉल्व करेगा तब येटल्स के स्किन इन्वॉल्व करेगा क्योंकि हमने पढ़ा है जो भी एक्टोडर्मल ओरिजन या पथीरियल ओरिजन में कैंसर होता है या पिथीरियल सर्फेस में वो लिम्फ में ड्रेन करता है जो मीजन कैमर होता है वो ब्लड में वो ब्लड से ज़्यादा स्प्रेड करता है तो डाटा स्किन जब इन्वॉल्व हो ना तब ये इन्ग्वानल लिम्फ नोड्स या पैराोटिक लिम्फ नोड्स के इन्वॉल्व करता है टेराटोमा डर्मोइड सिस्ट हो गया या कोई टेराटोमा उसमें डिफरेंट सेल्स का ट्यूमर है और non-seminomatous, uh, yolk sac tumor, carcinoma, embryonal carcinoma. sex so called stromal tumor, myelitic and sterilize? they produce a lot of testosterone, and uh, cellular tumors have feminizing effect like gynecomastia too. कोरियोकारसिनोमा का बताया कि ट्रोफोप्लास बहुत ज्यादा सेंसिटिव और सारियो ट्रोफोब्लास्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पेनलेस फिम मैथ दैट इज फिम टू हार्ड मैथ एंड इेगुलर स्क्रोटल मैथ्स विच में रिप्लेस द टेस्टिस टेन परसेंट ऑफ पेशेंट प्रेजेंट विद आफ्टर माइनर ट्रोमा रिसेंट ट्रोमा डज नॉट इनिशिएट द न्योप्लाज माइनर ट्रोमा एक साल पहले क्रिकेट बॉल बजाओ या कोई इस तरह का इंजरी हुई हो सेकेंडरी लैक्स में भी प्रेजेंट हाउ डू डाइग्नोस फिजिकल एग्जामनेशन लिम्स नोट उसटल एक्जामिनेशन अल्ट्रासोनोग्राफीज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। ये टेस्टिकलो ट्यूमर्स और अदर सिस्टिक स्वेलिंग उसको डिफ्रेंशिएट देगी कंट्रास्ट एन सीटी हम स्टेजिंग के लिए यूज़ करेंगे और ये हमने रीनल ट्रोमा के लिए भी यूज़ किया था और रीनल ट्यूमर्स के लिए भी यूज किया था ट्यूमर मार्क जैसे हमें बताया अलफाफिप्रोटी इन टेराटोमान योक्सा ट्यूमर्स बीटा एच सी कोरियोकार्सोमा टैराटोमी तो हर सेल होता ना तो हर एक का आप डाल सकते हैं सेमिनोमा टेन परसेंट बीटा एच सी जी लेटेडिहाइड्रोजन एस इट्स लेस स्पेफिक एंड एक्लाइन प्रसेंडल तमाम जमसल ट्यूमर्स में रेस्ट होंगे दस्ट द बर्डन ऑफ द डिजीज बाऑपी फाइनेटलिकेटेड बाय बिकॉज दर इज अ रिस्क ऑफ सीडलिंग ट्रीटमेंट क्या रेडिकल ऑर्किडेक्टमी और ऐसे पेशेंट को कहते हैं स्पम बैंकिंग शुड भी कंसिडर यंग पेशन अंडर गोइंग बायोटल ऑर्किडेटमी ताकि उनके स्पम्स सेव रहे दिस द स्टेजिंग एंड सेंस सेमिनोमाइज रेडियो सेंसटिव तो हम लोग उस पर बेप थेरेपी देते हैं बेप थेरापीज ब्लियोमाइसिन इटोपोसाइड एंड सिस्प्लाटिन and it's very effective and that's all about this chapter